हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक मोटने के अंदर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइजीगियम एरोमेटिकम के बारे में, यानी कि क्लोव के बारे में, लौंग के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये भी स्पाइसेस के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लोव यानी कि साइजीगियम एरोमेटिकम की फैमिली होती है मायरटेसी। इसका वर्निकुलर नेम लोंग होता है एंड ड्राइड अनओपन्ड फ्लावर बर्ड जो है इसकी यूज की जाती है। ड्राइड होती है अनओपन्ड फ्लावर बर्ड, ये एज स्पाइस इसका प्लांट पार्ट यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी प्लांट पार्ट यूज किए जाते हैं, लेकिन मेनली जो हम अगर देखें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी होती है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये मलाकास इन इंडोनेशिया का इंडिजीनस है। ठीक है, इंडिजीनस है ये इंडोनेशिया का। वाइडली ग्रोन इन जांजीबेर, मोरिसेस, इसके अलावा मालागासी, रीयूनियन आइसलैंड्स, सेशेल्स, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राजील, इंडिया के अंदर भी वाइडली ग्रो किया जाता है। एंड इंडिया के अंदर केरला एंड तमिलनाडु के अंदर ये उगाया जाता है। तो ये सभी इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडोनेशिया का इंडिजीनस है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगह पे, और इंडिया के अंदर केरल और तमिलनाडु के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन। तो क्लोव जो होती है एक स्मॉल एवरग्रीन ट्री होता है जो कि लगभग 12 मीटर तक की हाइट अटेन कर सकता है। जब ये यंग होता है तो कोनिकल इन शेप होता है एंड जैसे जैसे ये बाद में सिलेंड्रिकल इन शेप हो जाता है ट्री। लीव्स सिंपल होते हैं, अपोजिट एंड एक्सटिपुलेट, ग्लैबरस एंड एरोमेटिक पिटियोल, स्वेलन, लेमिना लेंसुलेट टाइप का होता है। लीव्स सिंपल यहाँ पे, ठीक है, सिंपल टाइप के लीव्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक्सटिपुलेट होता है यानी कि स्टिप्यूल्स इसके अंदर नहीं पाई जाती है। स्टिप्यूल्स यहाँ पे नहीं होगी। स्टिप्यूल कहाँ पाई जाती है, जैसे अगर हम बात करें कि ये हम बात करें कि एक लीफ का बेस है, यहाँ से एक लीफ अराइज हुआ है, ये लीफ यहाँ से अराइज हुआ है। ये जो पोर्शन है लीफ का जिसको हम बोल सकते हैं लीफ स्टॉक या फिर पिटियोल इसको बोला जाता है, ये पिटियोल हो गया। एंड लीफ बेस के ऊपर यहाँ पे लीफ लाइक, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है स्टिप्यूल। ठीक है, स्टिप्यूल इनको बोला जाता है। तो ये स्टिप्यूल यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, नो स्टिप्यूल, नो स्टिप्यूल, एक्सटिपुलेट टाइप का होता है ये। इसके बाद ग्लैबरस ये होता है, ग्लैबरस का मीनिंग है कि ये चमकदार होता है या फिर हम बोल सकते हैं स्मूथ होता है, कोई हेयर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। एंड एरोमेटिक होता है, इसके अंदर एक अरोमा पाई जाती है। इसका जो पिटियोल होता है वो स्वेलन होता है। ठीक है, ये पिटियोल जो होगा जहाँ से लीव स्ट्रोक होगी वो थोड़ा सा स्वेलन यहाँ पे होता है, फूला हुआ होता है। एंड लेमिना इसका लेंसियोलेट टाइप का ऐसे लेमिना पाया जाता है। इनफ्लोरिसेंस इसके अंदर टर्मिनल कोरिम्बोस एंड ट्राइकोमस पैनिकल पाई जाती है। ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स यहाँ पे पाई जाती है जो कि नैरो एंड एक्यूट होती है। ब्रैक्ट कहाँ पाई जाएगी, जैसे हम एक इनफ्लोरिसेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जैसे कि एक फ्लावर यहाँ से निकला है, ये यहाँ पे फ्लावर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो बेस है इस स्ट्रोक का, तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है ब्रैक्ट। एंड फ्लावर और ब्रैक्ट के बीच में एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल, ठीक है, इसको ब्रैक्टियोल बोला जाता है। तो इसके अंदर ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स दोनों ही पाए जाते हैं, नैरो एंड एक्यूट होते हैं। इसके बाद फ्लावर्स इसके अंदर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल इसके अंदर दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाएंगे। एंड इसके अंदर फ्लैसी हाइपेंथियम पाया जाता है। हाइपेंथियम क्या होता है, एक तरह से जो फ्लोरल रिसेप्टिकल होते हैं उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है फूड को बढ़ाने के लिए, और ये एक फ्लोरल कप और फ्लोरल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं कैलिक्स, कोरोला एंड स्टेमन्स मिल करके। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हाइपेंथियम बोला जाता है, और कैलिक्स इसके अंदर फोर लोब्ड होता है, फ्लैसी एंड ट्राइंगुलर होता है, कोरोला फोर होते हैं। कैलिक्स यानी कि इसके अंदर कैलिक्स किसको बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है सेपल को।
एंड कोरोला यानी कि पेटल्स की बात कर रही हूँ। तो कैलिक्स यानी सेपल्स, इसके अंदर फोर यहाँ पे पाई जाती है एंड ट्राइंगुलर टाइप की होती है। इसके बाद इसके अंदर पेटल्स भी फोर होती है, इम्ब्रिकेट ये टाइप की होती है, रेड टिंग्ड होती है एंड राउंडेड होती है। इसके बाद स्टेमंस की अगर हम बात करें, न्यूमरस स्टेमंस पाए जाते हैं एंड ये चार के ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ये स्टेमंस चार के ग्रुप में पाए जाएंगे। ओवरी टू सेल्ड होती है, मल्टी ओव्यूल टाइप की होती है। देखो दो सेल्ड ओवरी यहाँ पे पाई जा रही है एंड मल्टी ओव्यूल ओव्यूलेट टाइप की होती है, इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। इन्फीरियर पाई जाती है ये एंड एम्बेडेड इन द टॉप ऑफ द हाइपेंथियम, हाइपेंथियम के टॉप के ऊपर ये एम्बेडेड होती है। फ्रूट सिंगल सीडेड होते हैं, ओब्लोंग फ्लैसी ड्रुप टाइप के होते हैं, पर्पल रेडिश पर्पल इन कलर होते हैं एंड इनको मदर ऑफ क्लोव्स कहा जाता है। ठीक है, इनको मदर ऑफ क्लोव्स ये कहा जाता है ये वाले को। तो ये हमने देख लिया बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यूज, तो ये कॉमन यूज इसका होता है इंडिया के अंदर फ्लेवरिंग, पिकल्स, करी सॉस एंड केचप के अंदर, स्पाइस मिक्सचर जो होता है यानी गरम मसाला जो होता है उसका भी ये एक कंपोनेंट होता है। इसके अलावा क्लोव्स आर यूज इन परफ्यूमिंग टूथपेस्ट एंड माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट को परफ्यूम करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर देखी जाती है। और इसके अलावा ये इंग्रेडिएंट होते हैं बीटल नट च्यू के एंड पान मसालास के। इसके पास एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है एंड एक चीफ कॉन्स्टिट्यूट होता है क्लोव का यूजिनोल, जो कि परफ्यूम्स के अंदर यूज किया जाता है। क्लोव कंसिडर्ड अ रेमेडी फॉर इनडाइजेशन, नोजिया, कोलिक, फ्लोन्टेंस यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं पेट का फूलना एंड डायरिया, इन सब के अंदर ये एज अ रेमेडी यूज किया जाता है। इसका रिलीविंग टूथेक, ठीक है, दांत के दर्द को रिलीव करने के लिए भी इसके ऑयल का यूज किया जाता है। एंड क्लो बर्ड्स स्टैम्स, इसके अलावा लीव्स ओन स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, क्लो बर्ड्स तो यहाँ पे ऑयल देंगी ही देंगी यानी कि इनकी तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा स्टैम्स हो गई, इसके अलावा इसकी लीव्स हो गई, इनका स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है जिसके बाद ये एक इसेंशियल ऑयल यील्ड करते हैं जो कि परफ्यूम्स के अंदर, सोप्स के अंदर, फ्लेवरिंग, इसके अलावा मेडिसिंस, डेंटिस्ट्री, इन सब के अंदर यूज किए जाते हैं एंड एज अ क्लियरिंग एजेंट इन माइक्रोस्कोपिक। तो ये सब भी यूज है यहाँ पे क्लोव के या फिर साइजीगियम एरोमेटिकम के। तो यहाँ तक हमने क्लोव के बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।